हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का कल आपको क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखने को मिलेगा, कल क्वार्टर थ्री के नंबर्स देखने को मिलेंगे और कल काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाएगा कि आखिर यस बैंक की जो शेयर की डायरेक्शन है वो किधर जाते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन उससे पहले ARC पर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर क्या पड़ेगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और क्वार्टर थ्री से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एनालिस्ट की, एक्सपर्ट्स की, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए और एक लाइक जरूर करिएगा सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यस बैंक का परफॉर्मेंस कल के दिन कैसा रहा। तो क्लोजिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिली 24.90 यानी कि 24.90 रुपये पर, और 0.81% का अपसाइड आपको देखने को मिला था। आज रिपब्लिक डे है तो आज मार्केट क्लोज है। अब डायरेक्टली आपको मंडे को मार्केट ओपन होते हुए नज़र आएगा। 25.30 रुपये का जो है वो हाई देखने को मिला था और 24.90 की क्लोजिंग आपको शेयर की देखने को मिली थी। इसी बीच अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो ओवरऑल वॉल्यूम वगैरह है वो शेयर का कैसा रहा था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 24 करोड़ यानी कि 24 करोड़ का वॉल्यूम आपको शेयर में देखने को मिला था। और वहीं अगर आप देखते हो, इसको कंपेयर करते हो, तो एक दिन पहले का वॉल्यूम था 29 करोड़ का और एक हफ्ते का एवरेज है 28 करोड़ और महीने का है 42 करोड़ का। तो कुछ इस टाइप का कारोबार शेयर में आपको पिछले एक हफ्ते और एक महीने से देखने को मिल रहा है। और वहीं काफ़ी हद तक अब चेंजेस भी आ गए हैं रिटर्न प्रोफाइल में, यानी कि जनवरी में अभी तक आपको लगभग 15.85% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं पिछले एक महीने में 18% के रिटर्न्स हैं, पिछले तीन महीने में 55% के रिटर्न्स हैं, पिछले छः महीने में 45% के रिटर्न्स हैं, एक साल में 38 और दो साल में 82% के आसपास के रिटर्न्स बन रहे हैं। यानी कि रिटर्न प्रोफाइल यस बैंक की काफ़ी हद तक अब सुधरते हुए नज़र आ रही है। तो ये है ओवरऑल हालचाल अभी तक का यस बैंक का, जिस अकॉर्डिंग इसने परफॉर्म किया है। अब पहले मैं आपको यहाँ पर जो कल क्वार्टर थ्री के नंबर्स आने वाले हैं उस पर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लोगों की वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ARC की खबर क्या निकल कर आई है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, यस बैंक शेयर राइजेज अहेड ऑफ द क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स, चेक एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस एंड टारगेट प्राइस। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस रिपोर्ट में बोला है कि क्वार्टर थ्री से पहले की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और यहाँ से टारगेट प्राइस क्या हो सकता है वो इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि जो अर्निंग्स है सैटरडे को है, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस बैंक इस बार क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स हैं, दिसंबर के जो नंबर्स हैं, वो एक बेहतरीन नंबर्स रिपोर्ट करेगा, जिसमें जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा हो सकता है, साथ के साथ जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी कि NII और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यानी कि NIM, उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिस अकॉर्डिंग बैंक का फोकस जो है वो अपनी बिजनेस को रीबिल्ड करने पर हुआ है और अपनी जो मैनेजमेंट है उसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि एक हेल्दी नंबर्स क्वार्टर थ्री के आपको यहाँ पर देखने को मिले, जिससे जो बैंक की एसेट क्वालिटी है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि पिछली बार से अगर आप देखते हो तो कुछ रिकवरीज आपको देखने को मिल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ से चीज़ें आपको चेंज होते हुए नज़र आ सकती है। इसी बीच अगर हम यहाँ पे बात करें, श्रेयांश शाह जो कि एनालिस्ट हैं स्टॉक्स बॉक्स के, इन्होंने बोला है जो ओवरऑल रिटेल और MSME में इन्होंने फोकस किया है
तो जिस अकॉर्डिंग चीज़ें लग रही हैं एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो इन्होंने रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में जो डिसबर्समेंट है वो भी हेल्दी नज़र आ रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको इनके जो नंबर्स आएंगे उसमें देखने को मिलने वाला है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे बात करो तो इन्होंने एआरसी की भी बात करी, फिर इन्होंने बोला कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एनआईआईज है वो 6% की ग्रोथ दिखा सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ओवरऑल रिटेल एमएसएमई सेगमेंट में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लोन ग्रोथ है वो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ी सी डाउन जरूर नज़र आ रही है। और आपको एमके ग्लोबल की रिपोर्ट तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ जिसमें उन्होंने तो कुछ बहुत बड़े नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जताई है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि शेयर में जो इस बार के चांसेस बन रहे हैं क्वार्टर थ्री के वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो एआरसी से रिलेटेड अपडेट निकल के आ रही है उस पर, और देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट शेयर पर कैसा पड़ने वाला है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जेसी फ्लावर एआरसी प्रूडेंट सबमिट बिड्स फॉर 2 एनपीएस ऑफ यस बैंक। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहां पर यस बैंक ने बिडिंग इनवाइट्स करी थी अपने एनपीएस के लिए, और उन्होंने बोला था कि ये जो बिडिंग रहेगी वो टोटली कैश ट्रांजेक्शन्स में रहने वाली है, और उसके लिए अब यहाँ पर जेसी फ्लावर एआरसी और प्रूडेंट ने अपनी बिडिंग्स जो हैं सबमिट करी हैं। जेसी फ्लावर ने बेस बिड जो है वो इंद्रजीत पावर के लिए सबमिट करी है जो कि टोटल अमाउंट 353 करोड़ के आसपास नज़र आता है। वहीं प्रूडेंट ने जो बेस बिड सबमिट करी है वो करी है कैटेरा इंडिया के लिए जिसका टोटल लोन अमाउंट था 521 करोड़। ठीक है, और ये दोनों के लिए यस बैंक ने यहाँ पे वो ऑफर दिया था। आप इसका बाइफर्गेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। 4200 करोड़ यानी कि 4200 करोड़ के जो एनपीएस हैं उसको बेचने के लिए यस बैंक ने यहाँ पे बिडिंग्स ऑफर करी थी, जिसमें अगर आप देखते हो इंद्रजीत पावर का 353 करोड़ का है, कैटेरा इंडिया का 521 करोड़ का है, और रिटेल लोन पोर्टफोलियो टोटल 1142 यानी कि 1142 के आसपास नज़र आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इन्होंने बिडिंग सबमिट करी है, इस प्रोसीजर को अगर आप देखते हो तो आगे ले जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। यस बैंक ने जो ओवरऑल और भी जो इंटरेस्टेड बिडर्स हैं उनको ऑफर किया है कि वो 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी से पहले पहले अपनी जो भी बिडिंग्स हैं वो यहां पर भेज दें, सो दैट 13 फरवरी को यस बैंक यहां से हाईएस्ट बिडर का अनाउंसमेंट करेंगे और फिर देखी जाएगी कि जो ओवरऑल किसको सिलेक्ट किया है और फिर क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रह सकता है। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइप से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रही हैं। तो अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यस बैंक के लिए, रिजल्ट्स हैं, देखते हैं कि आखिर क्या कुछ नंबर्स रह सकते हैं। आप मुझे कमेंट बताइए कि यस बैंक के नंबर्स पॉजिटिव रहने वाले हैं या फिर पहले की तरह ही कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत वाली देखने को मिलेंगी। कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।